और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। वॉर्सो में यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त मौजूद है। यूएस और पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा के साथ ये बैठक है। पोलैंड में बाइडेन की ये सबसे बड़ी मुलाकात कही जा रही है, जिस पर वैश्विक स्तर पर नजरें बनी हुई हैं। खासतौर से कही जाए तो रूस के खिलाफ आखिर क्या कुछ रणनीति यहां पर होनी चाहिए, इस मुलाकात का सबसे अहम हिस्सा। वॉर्सो में यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन, और देखिए तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिस तरह से पोलैंड ने यहां पर यूक्रेन वासियों का साथ दिया जो कि यूक्रेन की जमीन को छोड़कर पोलैंड की तरफ आए, ऐसे में अमेरिका का भी एक सख्त रवैया यहां पर रूस के खिलाफ अब नजर आ रहा है। रणनीति यहां पर किस तरह की सामने आएगी रूस के खिलाफ, क्योंकि इस महायुद्ध को एक महीना यहां पर हो चुका है, ऐसे में तबाही की जो तस्वीरें हैं आखिर वो कैसे रुकेंगी, रूस आखिर अपने कदम से कैसे पीछे हटेगा, किस तरह से बातचीत यहां पर होगी, इस मुलाकात के यही मायने हैं और यही इसके खास की खास चर्चा का विषय भी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन की ये बड़ी बैठक जो कि पहले से तय थी, जिसके चलते पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से ये मुलाकात यहां पर बेहद बेहद खास मानी जा रही है। और जेलेंस्की के पास जिद्दी जाबाज है, सही सुना आपने, ऐसा जाबाज जिसके पास रूस के हर वार का तोड़ है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुतिन को जेलेंस्की से नहीं जिद्दी जाबाज से डर लगता है, क्योंकि जाबाज की मौजूदगी में जेलेंस्की का कोई भी बालबाका नहीं कर सकता। ये जाबाज दरअसल एक टीम है, ये टीम क्या करती है, कहां रहती है, जेलेंस्की को लेकर जाबाज टीम की कितनी बड़ी तैयारी है, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। के केमिकल हथियार कैसे होंगे बेअसर? जैविक हमले का जवाब कैसे देगा यूक्रेन? पुतिन के पंजे से जेलेंस्की को कौन बचाएगा? इन चारों सवालों का बस एक जवाब है, टाइगर टीम। एक ऐसी टीम जो यूक्रेन युद्ध पर 2400 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान हो रही हर हलचल पर इस टीम की नजर, रूसी सेना के एक एक मूवमेंट पर यह खास खुफिया टीम आंख गड़ाए हुए है। इस टाइगर टीम का सीक्रेट ऑफिस बना है रूस यूक्रेन सीमा से करीब 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के व्हाइट हाउस का एक खास कमरा, जहां जंग से जुड़े हर मुश्किल हालात से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार है। व्हाइट हाउस की टाइगर टीम बकायदा टेबल टॉप रिहर्सल करके पूरे प्लान को तैयार कर चुकी है। व्हाइट हाउस के इस रूम में टेबल पर ही अमेरिका की टाइगर टीम ने रूस के खिलाफ जवाबी जंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस टाइगर टीम की टास्क लिस्ट में शामिल है पुतिन के परमाणु हमले का जवाब कैसे देना है, केमिकल अटैक से यूक्रेन वालों को कैसे बचाना है, जैविक हमला होने पर क्या एक्शन लिया जाए, वहीं युद्ध में फंसने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान कैसे बचानी है। एक महीने के युद्ध में पुतिन की सेना ने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी। रूस के बरसाए गोलों से यूक्रेन जल रहा है, शहर के शहर खंडहर में बदल गए हैं। तोप और गोलों के बाद अब रूस की सेना अपने अमोघ हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन पर वार कर रही है। युद्ध और लंबा खिंचार तो पुतिन अपने एटम बम का बटन भी दबा सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना केमिकल वॉर शुरू कर सकती है, यहां तक कि यूक्रेन में जैविक बम से भी निशाना साधा जा सकता है। और तो और, पुतिन के किलर कमांडो दर्जन से अधिक बार जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन टाइगर टीम के बनाए प्लान से हर बार जेलेंस्की सही सलामत बच जाते हैं। अमेरिका की एक खास टाइगर टीम बीते नवंबर से मिशन यूक्रेन पर काम कर रही है। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है और हर बैठक 120 मिनट तक टेबल टॉप युद्ध अभ्यास करती है।
टाइगर टीम को बखूबी अंदाजा है कि रेड आर्मी के टारगेट पर मिस्टर प्रेसिडेंट है, इसलिए कीव से 700 किलोमीटर दूर स्पेशल कमांडोज का एक बड़ा ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से जेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर रहा है। इनके प्लान की एक एक सीक्रेट डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखों से इनकी तैयारी देख लीजिए। यूसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये जेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन की रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम, इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे और इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अभी यूक्रेन में है। यूक्रेन में कहाँ है इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में। कीव में कहाँ है तो अपना पता खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दे दिया है। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। रूसी टैंक स्ट्रेलियाले पो ज़ापोरिज़्की एटमनी स्टांसी, Росія ударила ракетами по Бабиному Яру, зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків, вбила 128 дітей, била ракетами по університетах, спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села. Просто в попіл. Нічого немає. Руські сина Київ по чарам орсі гірегує. कीव पर कब्जा जमाने के बाद रूस की सेना का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की रहने वाले हैं, लेकिन जंग के बीच ज़ेलेंस्की को जिंदा निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन की सेना को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, बस उस पल का इंतजार है। इस खास कमांडो दस्ते में अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के SAS कमांडो शामिल हैं। इस स्पेशल टीम को नेटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि मुश्किल हालात में ज़ेलेंस्की को सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। इस स्पेशल टीम में 150 US नेवी सील्स कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो शामिल, यानी दुनिया के 220 घातक कमांडोज ज़ेलेंस्की के लिए महाकवच बनने वाले हैं, जो कि अभी कीव से 700 किलोमीटर दूर लिथुआनिया के एक एयरबेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देते हुए रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना घेर चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना का कीव पर कब्जा हो जाता है तो उसके बाद ज़ेलेंस्की अपनी सरकार कहां से चलाएंगे उसकी भी तैयारी हो चुकी है, लेकिन ऐसे वक्त में पहली कोशिश ज़ेलेंस्की की जान बचाने की होगी, जिसके लिए नेवी सील्स और SAS कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते से पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से कीव में लैंड होंगे। क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है, जो रूस का जिगरी यार और ज़ेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और SAS कमांडो कैसे अपना काम करेंगे उसका